नमस्कार, हमारी आज की कहानी है बोलने वाली गुफा। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उस जंगल के सभी जानवर उस शेर से डरते थे और उसके आगे थर थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत ख़राब हो गई। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए। जो इसमें व्यक्ति रहता है उसका इंतजार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा तो मैं उसको मार करके खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर चला गया और वहां पर चुपचाप बैठ गया। वह गुफा थी एक सियार की, जो दोपहर में बाहर गया हुआ था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौटा तो उसने ध्यान से देखा, उसकी नज़र शेर के पंजों के निशान पर गई, जो उसकी गुफा के बाहर बने हुए थे। ये देखकर वह थोड़ा सतर्क हो गया। उसने जब और ध्यान से देखा तो उसको समझ में आया कि गुफा के अंदर तो कोई घुसा है, और जो ये निशान है ये मुझे शेर के लगते हैं। तो वो और ज़्यादा सतर्क हो गया। अब उसको इस बात पर विश्वास हो गया था कि शेर के अंदर तो ये जो गुफा है इसके अंदर तो शेर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की वो एक बार पुष्टि करना चाहता था कि अंदर शेर ही है या नहीं। तो सियार ने क्या हुआ, एक तरकीब उसने निकाली सियार ने, और उसने गुफा के बाहर से आवाज़ लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। रोज़ तो तुम बड़े ज़ोर ज़ोर से बोल के मुझको पुकार पुकार के बुलाती हो, लेकिन आज तो तुम चुपचाप बैठी हुई हो। ऐसा क्या हो गया जो आज तुम मुझे आवाज़ नहीं लगा रही हो। तो अंदर बैठे शेर ने क्या सोचा कि ये गुफा को इस तरह से क्यों बोल रहा है, हो सकता है ये गुफा आवाज़ लगाती हो और इसको बुलाती हो, लेकिन मेरी वजह से नहीं बोल रही हो, मेरी वजह से डर गई हो। तो कोई बात नहीं है, मैं ही आज इसे पुकारता हूँ। तो उसने सियार की तरफ आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तो इस आवाज़ को सुनते ही सियार को ये पता चल गया पूरी तरह से कि तो शेर ही बैठा हुआ है अंदर। तो वो तेज़ी से वहाँ से भागा और अपनी जान बचा करके, इस तरह से भाग के उसने अपनी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हो तो भी हम अपनी बुद्धि का यदि इस्तेमाल करें, बुद्धि से हम काम लें, तो हर समस्या का, हर परिस्थिति का हल निकल सकता है। धन्यवाद।